today we will continue this chapter, chapter number 15. The name of the chapter is plants. Okay, students, in our previous session we were reading about some other uses of plants. Okay, बच्चों हम अपने previous session में plant के other uses यानी कि plant के दूसरे कार्य पढ़ रहे थे, like plants keep our environment clean. बच्चों plants हमारे environment को clean रखते हैं और plants clouds को attract करके वर्षा करने में भी सहायता करते हैं. Clear everyone? That's why we must not allow anyone to cut down the trees. इसलिए बच्चों हमें किसी को भी trees को cut करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें अधिक से अधिक trees grow करने चाहिए. Clear everyone? Students, today we will do the exercises of this chapter because we have finished the explanation. ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है, दैट्स व्हाई टुडे वी विल डू द एक्सरसाइजेस. क्लियर? सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 109. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस. बच्चों किस प्रकार हमारे लिए प्लांट्स उपयोगी है. सो इट्स आंसर इज प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट. बच्चों प्लांट्स हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और खाने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर एवरीवन? दैट्स व्हाई प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. इसलिए बच्चों प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. हमें ही नहीं सभी लिविंग थिंग्स को प्लांट सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और खाने के लिए भोजन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी कैन ईट. बच्चों प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट है जिन्हें हम खा सकते हैं. गिव एग्जाम्पल्स, आपको उसके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण भी देने हैं. क्लियर? सो इट्स आंसर इज वी कैन ईट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक. बच्चों हम प्लांट के वेरियस पार्ट्स यानी कि विभिन्न भागों को खा सकते हैं, कई भागों को खा सकते हैं, जैसे कि शीट्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम्स. क्लियर? शीट्स यानी कि वीट, राइस और पीस. वीट इट मींस बच्चों गेहूं, राइस इट मींस चावल और पीस इट मींस मटर. बच्चों ये प्लांट के क्या है, शीट्स हैं. ये सभी प्लांट के शीट्स यानी कि बीज है जिन्हें हम खाते हैं. नेक्स्ट क्या है, रूट्स. रूट्स में क्या है, कैरेट एंड रेडिश. बच्चों कैरेट और रेडिश प्लांट के क्या है, रूट्स है, इन्हें भी हम क्या करते हैं, खाते हैं. लीव्स लाइक कैबेज, स्पिनच. स्टूडेंट्स कैबेज एंड स्पिनच आर लीव्स दैट वी ईट. बच्चों कैबेज और स्पिनच लीव्स है यानी कि पत्तियां हैं जिन्हें हम खाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज टमेटो एंड पम्पकिन. स्टूडेंट्स टमेटो और पम्पकिन प्लांट के क्या है, फ्रूट्स है, इन्हें भी हम एज अ फूड यानी कि भोजन के रूप में लेते हैं. लास्ट इज स्टेप्स. स्टेप्स यानी कि तना. पोटैटो एंड सुगर केन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेप्स दैट वी ईट. बच्चों पोटैटो और सुगर केन स्टेप्स के एग्जाम्पल हैं, ये प्लांट के स्टेम हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं. क्लियर है? स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है. तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था दैट क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम एंड दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. बच्चों क्लाइंबर्स के पास वीक स्टेम यानी कि कमजोर तने होते हैं और ये खुद से यानी कि अपने से खड़े नहीं हो पाते. दे नीड सपोर्ट टू ग्रो. इन्हें ग्रो करने के लिए यानी कि बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है. एंड दे wrap themselves along the other plant. Okay? बच्चों ये अपने आप को दूसरे प्लांट में क्या कर लेते हैं, wrap यानी कि फंसा लेते हैं और दूसरे प्लांट की हेल्प से ही ऊपर की ओर ग्रो करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है क्रीपर. स्टूडेंट्स क्रीपर्स हैव आल्सो वीक स्टेम्स. बच्चों क्रीपर्स के पास भी वीक स्टेम्स होती है एंड दीज प्लांट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. और बच्चों ये प्लांट जमीन के साथ ही उगते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. प्लांट्स गिव्स अस फूड ग्रेन्स. व्हिच ऑफ द
हमें अनाज देते हैं, तो आपको इन ऑप्शन में से रीड करके बताना है कि कौन 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 सा ऑप्शन ग्रेन्स के एग्जांपल है, यानी कि अनाज के उदाहरण है। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज वीट एंड राइस, सेकेंड ऑप्शन इज मैल्स एंड बार्ले, थर्ड ऑप्शन इज ग्राम एंड पर्सिस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेन्स। क्लियर एवरीवन? नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 110। Our next question is question number E. The stem pulp of the plant shown here is used to make. Students, book में जो picture given है वो एक bamboo tree है, और bamboo tree से क्या बनता है? Paper बनता है. Clear? That's why your third option is correct. Students, our next exercise is discuss the reasons for the following statements. बच्चों, यहाँ पर two statements given है. इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए आपको रीजन प्रोवाइड करना है। क्लियर? सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैक्टी हैव थिक स्टेम्स। बच्चों, कैक्टी के पास थिक यानी कि मोटी स्टेम्स होती है। क्यों? सो इट्स आंसर इज कैक्टी हैव थिक स्टेम्स टू कीप द वाटर इनसाइड फ्रॉम इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन का मीन्स होता है वाष्पीकरण, ठीक है? तो वाष्पीकरण की क्रिया से वाटर को बचाने के लिए, लीफ में वाटर को सुरक्षित रखने के लिए ही कैक्टी के पास थिक स्टेम्स होती हैं। क्लियर एवरीवन? आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लांट्स आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। बच्चों, प्लांट्स को अर्थ के लंग्स यानी कि फेफड़े क्यों कहते हैं? सो इट्स आंसर इज प्लांट्स आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे प्यूरिफाई एयर वी ब्रेथ। स्टूडेंट्स, प्लांट्स को हम अर्थ का लंग्स कहते हैं क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है जिनमें हम सांस लेते हैं। कौन एयर को प्यूरिफाई करते हैं? प्लांट। ओके, प्लांट प्यूरिफाई द एयर वी ब्रेथ। बच्चों, प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं जिनमें हम सांस लेते हैं। क्लियर? अब बच्चों, प्लांट्स एयर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ही एयर को प्यूरिफाई करते हैं। प्लांट्स लिविंग थिंग्स के द्वारा दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिनमें हम सांस लेते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Your homework is what are the different parts of a plant that we can eat? बच्चों, plants के विभिन्न भागों को बताइए जिन्हें हम खा सकते हैं। And give example too। और बच्चों, आपको उनके example भी देने हैं। This is your homework and there is no classwork for today। और आज के लिए आपका कोई भी classwork नहीं है। Clear? That's all। Thank you।